जिस चीज के लिए पहाड़ों की रानी शिमला जानी जाती है, आज वो सब कुछ नजर आ रहा है, वो नजारा नजर आ रहा है, वो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर दिख रहा है। कुफरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ ये हल्की हल्की बर्फ लगना शुरू हो चुकी है। रात को बर्फबारी हुई और सफेद चादर अब बिछना यहाँ पर शुरू हो गई और उम्मीद लगा रहे हैं, जैसा कि प्रिडिक्शन भी है, कि आने वाले एक दो दिन और हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पर होगी। आप कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? विष्णु सिलोया नाम है सर। कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए सर, पहली बार जन्नत देखने का मौका मिला है और बहुत मजा आ रहा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साथ में हमारे साथी लोग हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। आप कहाँ से हैं भाई साहब? क्या नाम है? मैं सीहोर से हूँ, राजधानी भोपाल के पास में रहता हूँ। राज वर्मा नाम है मेरा और मैं सेकंड बार आया हूँ। उस समय मेरे को स्नोफॉल नहीं मिला था, अब इस बार मिला, मैं जन्नत में हूँ इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है। कब पहुंचे हैं? अभी आए, जस्ट आ ही रहे, पहुंच रहे हैं। हाँ ओके, पहुंच रहे हैं और स्वागत बर्फबारी से हो रहा है। क्या नाम है? आई एम फ्रॉम शाजापुर, कुलदीप खेलवार। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया नजारा है, देखने लायक जगह है बिल्कुल। कैसा एंजॉय कर रहे हैं? फुल एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल फुल। हम लोग मनाली से होके आ रहे हैं, मनाली में भी हम लोगों को वो सीन देखने को नहीं मिला जो हम लोगों को यहाँ शिमला में देखने के लिए मिल रहा है। बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल, फुल एंजॉय। जितेंद्र सूर्यवंशी फ्रॉम इंदौर। कैसे ही बयां करेंगे इस प्राकृतिक सौंदर्य? सर कैसे ही बयां करें, इसको बयां नहीं कर सकते, बहुत सौंदर्य, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, पहली बार आए हम तो, फर्स्ट टाइम ऐसा नजारा, जन्नत का नजारा मिल रहा हमें तो। क्या नाम है आपका? प्रिंस फ्रॉम नोएडा। कैसे देखते? या एंजॉयिंग द नेचर एंड फ्रेंड, ऑसम फीलिंग। या अभी पहली बार बर्फबारी देख रहे? नो नो नो, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, that is not here, only Uttarakhand. Here is the first time. क्या बात है? क्या नाम है आपका? हिमांशु वर्मा। हिमांशु कैसे देख रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है? मस्त, बेटर, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मस्त, बढ़िया वाला। भाई साहब से भी बात करेंगे, लग रहा है अब सीजन लग जाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 3 महीने के बाद बारिश हुई है और पहली स्नोफॉल है, इस साल की पहली स्नोफॉल है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं गाइड का काम करता हूँ सर। गाइड का काम? हाँ जी। तो अब उम्मीद है, जिस प्रकार से प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिन जी सर अब अच्छा काम चलेगा, सबका रोजगार खुलेगा, पहली बर्फबारी हुई है बिल्कुल। और हल्के हल्के फुहाए गिरना शुरू यहाँ पर हो गए हैं और धीरे धीरे तेज ये बर्फबारी होती जा रही है। अब कुछ देर और मैं अगर देखें तो ये जो बर्फ की चादर है ये थोड़ी और घनी होगी, थोड़ी और परत अब मोटी दिखना शुरू यहाँ पर हो जाएगी। और इसी दिन का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, चाहे वो स्थानीय लोग हों, बागवान हों, किसान हों, या फिर पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटक हो, दूर दराज से आने वाले पर्यटक हो, तमाम लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं, राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा, तमाम जगह पर जो बर्फबारी हो रही है उसका आनंद ले रहे हैं। कुफरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय पर्यटक भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? आशुत। कब पहुंचे हैं, एंजॉय कर रहे? यस। पहली बार देखा स्नोफॉल? यस। वेरी गुड। कहां से आए हो? ग्वालियर। ग्वालियर एमपी। ग्वालियर से यहां पहुंचे? कब आप पहुंचे थे? और हम यहाँ पर 29 को आए थे और वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि स्नोफॉल नहीं है, बिकॉज हमें अपने बच्चे को स्नोफॉल दिखाना था। तो आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। वैसे हम नारकंडा जा रहे थे बट हमें रास्ते में ही मिल गई, तो वी आर एंजॉइंग हियर ओनली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली में पहले हम मनाली गए थे तब ऐसा स्नोफॉल एकदम एग्जैक्टली नहीं मिला था, स्नो मिला था लेकिन स्नोफॉल नहीं मिला था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग सोच रहे थे हमारा ऐसा सूखा जाएगा, हम जब शिमला लाए थे बच्चे तो बहुत डे, बहुत अच्छा हुआ। साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति पृथ्वी के ऊपर पहुंच गई हो। कुछ और पर्यटक हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम तो उड़ीसा से आए, घूमने आए थे मनाली शिमला, आज बर्फ दिख गई 5 दिन से यहीं पे, तीन चार दिन से मनाली में थे, मनाली पे बर्फ गिरी ही नहीं, तो यहाँ पे आज कल शिमला रात को पहुंचे तो यहाँ पे आज सुबह बर्फ गिरी, पूरा पैसा वसूल ट्रिप का, बहुत ही बढ़िया, जन्नत है पूरा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ स्नो का, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो बढ़िया, मतलब पूरा जिंदगी में तो ये वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हम मेरा नाम असित। मनीषा। बिल्कुल, मनीषा यहाँ पहुंचे हैं और पहली बार जिंदगी में बर्फ देख रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना इनका जरूर आप देख सकते हैं। और कुछ और पर्यटक हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, बर्फ से खेल रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अखिल है। अखिल कहाँ से हो? उत्तराखंड। क्या बात है, उत्तराखंड से? पहली बर्फ देखी है? हाँ जी, बहुत देखी है। पूरा एंजॉय कर रहे हैं? ओ बहुत ज्यादा।
मैं तो आ रखा हूँ जनवरी का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एंजॉय यहाँ कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? गौरव। गौरव कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बढ़िया। क्या क्या किया अभी तक? बस कुछ नहीं, बस अभी मार रहे हैं। क्या बात है, कब तक है? हेलो, अब तो जब तक कॉलेज है। पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका क्या नाम है? अंकुल। अंकुल पूरा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे देख रहे हैं बर्फ? बढ़िया, सेबों के लिए अच्छा हो रहा है, बर्फ पड़ रही है तो। अंकुल हो? हाँ जी। हाँ, सेब के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सेबों के लिए बर्फ। हाँ जी हाँ जी, अभी तो स्टार्टिंग। हाँ जी, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है बर्फ में? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब से बात करेंगे। लक्षित। लक्षित पहली बार देखी या फिर? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार देख रहे हैं? खेल रहे हैं पूरा? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, IHM। अच्छा, मैनेजमेंट कर रहे हैं? जी सर। क्या बात है, तो टूरिज्म सेक्टर के लिए कैसे देखते? अभी तो पता नहीं। बिल्कुल, बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए तो जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देख रहे हैं हम, अभी पहला स्नोफॉल है, कुछ घंटे पहले स्नोफॉल शुरू हुआ, लेकिन पर्यटकों की संख्या अब यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है।